उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ठेले पर रखी सब्जियों पर टॉयलेट करके उसे बेचने के मामले में बरेली पुलिस ने एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शरीफ है और उसे पकड़ने से पहले कार सवार युवक ने सब्जी विक्रेता की इस हरकत का वीडियो बना लिया था। यह वीडियो जब आसपास के लोगों तक पहुंचा तो वह भड़क गए और उन्होंने सब्जी विक्रेता की पिटाई भी कर दी और फिर पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सब्जी विक्रेता शरीफ ने अपनी सफाई में कहा कि मैं बीमार था और ठेली का सहारा लेकर टॉयलेट कर रहा था। मैंने सब्जी पर टॉयलेट नहीं किया है, मैंने बस ठेली का सहारा लिया था। सब्जी पर टॉयलेट करने का यह वीडियो दुर्गेश कुमार गुप्ता ने बनाया है। उन्होंने बताया कि मैं कार से जनकपुरी में कैलाश अस्पताल के बाहर से निकल रहा था। उसी दौरान किसी काम से मैंने कार रोकी और अचानक मेरी निगाह कॉलोनी के सड़क किनारे खड़े सब्जी का ठेला लिए एक व्यक्ति पर पड़ी। मैंने देखा कि सब्जी बेचने वाला ठेले की आड़ में ठेले के नीचे रखी सब्जियों पर टॉयलेट कर रहा था। उन्होंने मोबाइल से ठेले वाले की इस करतूत का वीडियो बना लिया। इसके बाद वह ठेले वाले के पास पहुंचे और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। दुर्गेश ने शरीफ से सब्जियों पर टॉयलेट करने के बारे में पूछा तो शरीफ दुर्गेश पर उल्टा इल्जाम लगाने की बात कहते हुए भड़क गया। दुर्गेश ने दावा किया है कि मेरे और सब्जी वाले के बीच बहस होने लगी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच गए। पहले तो उन्होंने सब्जी विक्रेता का पक्ष लिया, लेकिन जब मैंने उन लोगों को वीडियो दिखाया तो वह लोग भड़क गए और शरीफ की मदद करने आए लोगों ने ही उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान शरीफ बैकफुट पर आ गया और लोगों का गुस्से देखते हुए उसने माफी भी मांगी और कहा कि मैं 35 साल से सब्जियां बेच रहा हूं, गलती हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस शरीफ को प्रेमनगर थाने ले गई। यहां दुर्गेश की तहरीर पर शरीफ के खिलाफ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और संक्रमण फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शरीफ की इस घटना की जानकारी जब उसके परिजनों को हुई तो वह भी थाने पहुंचे। वहां शरीफ के बेटे ने बताया कि उसके पिताजी 35 साल से सब्जी बेचने का काम करते हैं, कभी ऐसी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। तो वहीं इस बारे में SSP सिद्धार्थ अनिरुद्ध पंकज का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारा पता है गंगानगर बुलंदशहर।